उत्तराखंड की लोक संस्कृति को चार गैलरीज में समेटे हुए है लोक संस्कृति संग्रहालय, और इसके जनक है पद्मश्री यशोधर मठपाल। श्री यशोधर मठपाल ने अकेले दम पर इस संग्रहालय की नींव रखी, उसे संजोया, अपनी जिंदगी के हर पल को हमारी आपकी अमूल्य धरोहर को संजोने में लगा दिया। लेकिन ग्लोबलाइजेशन लोकलाइजेशन के शोर में हो रहे डेवलपमेंट से संघर्ष कर रहा है आज ये संग्रहालय और श्री यशोधर मठपाल। मेरा नाम यशोधर मठपाल है और मैं अल्मोड़ा जिले के रामगंगा घाटी में नौला नामक स्थान में 1939 में पैदा हुआ। मेरे पिताजी प्रसिद्ध संतासराम सेनानी रहे, जिन्होंने 16 महीने जेल में चक्की चलाई और बाद में 1926 में उन्होंने विद्यालय स्थापित किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई मिडिल स्कूल नहीं था, तो उस मामला में बाद में मैंने भी पढ़ा 2 साल, और फिर मैंने आगे शिक्षा 5 साल का फाइन आर्ट का डिप्लोमा किया, और उसके बाद 5 साल अध्यापन किया। और जब मुझे पता चला कि यहाँ मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन गुफा चित्र मिले हैं, तो मैं सारा अपना और काम छोड़ करके वहाँ चले गया, और मैंने 8 साल मध्य प्रदेश में भीमबेटका में सारी रिकॉर्डिंग करी, गुफाओं में जितने पेंटिंग थी, और उससे मुझे एक मेरा पूरा क्षेत्र निश्चित हो गया। मैं पुरातत्व में मैंने PhD किया था और गुफा कला मेरा विशेष क्षेत्र हो गया। तो आज भी मैं यहाँ भी उत्तराखंड में भी मैंने काम किया, केरल में भी मैंने काम किया, तो ये मेरा मुख्य रूप से मुझे एक पुरातत्ववेत्ता और वो भी गुफा कला विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। तो बचपन से ही हमें रंग बिरंगे पत्थर इकट्ठा करने का शौक था, और वो बाद में भी जो पाषाण काल है हमारे पास भी यहाँ देखेंगे, पाषाणपुरों से मेरा हो रहा। और चित्रकला के बारे में जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मैं कक्षा 3 में जब था तब से मैं प्राइमरी स्कूल के छत वो दीवारों पर चित्र बनाता था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं पुरातत्व के लिए पैदा हुआ और चित्रकार में जन्म से था। बाद में सिर्फ उसमें रिफाइनमेंट हुआ, उसमें अकादमिक योग्यताएँ जुड़ गई, और मूल तो मैं आज भी अपने को एक चित्रकार के रूप में और पुरातत्ववेत्ता के रूप में ही मानता हूँ। मैंने जब PhD किया तो मेरी थीसिस जो थी वो भारत सरकार के जो सचिव थे डॉक्टर कपिलावासन, उन्होंने मंगाई वहाँ से, और वो थीसिस पढ़ करके वो सारा मेरा आधार बन गया। उन्होंने कहा कि ये आदमी जो आपका विद्यार्थी है, जो ये काम कर रहा है, अगर ये मध्य प्रदेश में काम करना चाहे जहाँ अभी भी नई नई गुफाएँ खुजी हैं, तो हम इनको मदद करेंगे। तो दूसरा ये था कि भारत सरकार का ही वहाँ था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय खोलने का विचार भोपाल में, तो उसके स्थापना में मैं रहा। मुझे मेरे पास पत्र अभी तक रखे हैं, डॉक्टर कपिलावास ने कहा कि आप यहाँ आइए और म्यूजियम मैन के तहत आप काम कीजिए और अपना रिकॉर्डिंग भी कीजिए। तो भोपाल पहुँचे, सबसे मैंने भोपाल के पास की जो श्यामला हिल है वहाँ की मैंने 16 पहाड़ियों की रिकॉर्डिंग करी। तो मैं आया मध्य प्रदेश के लिए था, लेकिन 2 साल मेरा काम करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इस सरकारी तंत्र में मैं वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने 2 साल के बाद मैं एक किसी टूर में यहाँ भी आया था जनजाति क्षेत्र में, उसके बाद मैंने निर्णय कर लिया कि मैं पहाड़ में ही अपना संग्रहालय बनाऊँगा, और वो भी ऐसा नहीं कि पहाड़ का जो मैदानी इलाका है जो तराई वाला है वो नहीं, जहाँ तक हो सके इंटीरियर में बनाऊँगा। तो मेरे पास चूँकि संसाधन नहीं थे और यहाँ पर ये उजाड़ जमीन थी, उसमें इसमें 250 रुपया नाली थी, आज 1.5 करोड़ रुपया नाली हो गया है, इसलिए मुझे उसमें मैंने 8 नाली ज़मीन खरीदी यहाँ पर, और मैंने अपना संग्रहालय स्थापित किया। हालांकि आज मुझे कोर्ट में वो लड़ना पड़ा, क्योंकि आज ज़मीन के लिए भूमाफिया जो हुए हैं इनके हाथ बहुत लंबे हो गए हैं, करीब 29 लोग हैं जो मेरे खिलाफ़ हैं, और मैं आज भी मेरी तारीख लग रही है, वकीलों की शादी है, लेकिन इस अपनी धरोहर को बचाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। आज भी मेरे सामने वो नहीं आ रहे हैं जो खरीदने वाले हैं, मेरे सामने वही जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो उनको ला रहे हैं, और ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जितना भी जल्दी हो हम इसको बेच सकें तो हमारा वो रहे उसमें रहे।
लखनऊ में जब मैं था, मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, तो इसमें हमारे जो अमृतलाल नागर जी थे हिंदी के लेखक, उनके छोटे भाई मदनलाल नागर मेरे गुरु थे, और गुरु नहीं थे किसी रक्षक भी थे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। एक दिन मैंने उनसे कहा छुट्टी के बाद, क्योंकि मैं जो बचे हुए ट्यूबें होती थी ऑयल कलर की, वो घर को ले जाता था, स्कूल में फ्री मिलता था, तो कहता है बेटा तुम इनको ले जाओ। उस ट्यूब से मैंने निरालय का एक चित्र बनाया और वो चित्र 250 रुपये में बिका उसमें। तो वो ट्यूब को फाड़ फाड़ करके उनका मतलब ऑपरेशन करके सारे ट्यूब निकाल। तो एक दिन शाम को मैं इसीलिए रुका रहता था कि क्लास के बाद हो, तो मैंने उनसे कहा गुरु जी आज मेरे पास भोजन के लिए कुछ नहीं है। मुझे अभी भी उनकी याद है, वो रो पड़े और मेरे पीठ में हाथ रखा उन्होंने। अपने समय के बहुत अच्छे चित्रकार रहे मदनलाल नागर, अमृतलाल नागर के छोटे भाई थे। तो बच्चा हिम्मत मत हारना, निकाला यहाँ से एक 10 रुपये का नोट दिया, जा तू राशन ले लेना। उसमें 10 रुपया बहुत होता था राशन के लिए, 5 रुपये राशन। तो उन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया। जब मैं 5 साल रहा, जब मैं उनके उसमें आया, तो पहला तो मेरा योगदान उनका रहा है। उसके बाद जब मैं पूना चले गया बिना संसाधन के, बिना कुछ हमने, तो वो हमारे गुजरात के डॉक्टर शांकलिया थे, जो कि एशिया के सबसे बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे, जो द ग्रेटेस्ट आर्कोलॉजी ऑफ एशिया। उनके करीब 80 छात्र हैं जो पूरे भारत में सारे जो पुरातत्व तो फैले थे। तो जब, लेकिन वो गांधीवादी थे, बिल्कुल धोती कुर्ते में रहते थे और छोटे कद के थे। तो जब मैं वहाँ गया, तो मेरे जो जिनके अंदर मुझे PhD करना था, वो प्रोफेसर मिश्रा थे यहीं के फरुखाबाद। तो थोड़ा बहुत वहाँ भी ये उत्तर भारत दक्षिण भारत का होता था, इसलिए एकदम फेलोशिप मिलना भी या कोई वो होता था, क्योंकि अपनी अपनी राजनीति आप जानते हैं महाराष्ट्र और इनके। तो वो मिश्रा जी ने कहा तुम आ तो गए पंडित जी, और मेरे पिताजी की उस साल मृत्यु हुई थी, मैं वार्षिक श्राद्ध में था, इसलिए अपने हाथ से बनाता था खाना और बिल्कुल मुंडन जो है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि चलिए, हमारे जो हमारे रिंग मास्टर गए थे, तो गुरु जी वो उसमें रिटायर हो चुके थे डॉक्टर शांकलिया, तो उनके पास ले गए मुझे। वो वहीं रहते थे, उनका छोटा सा कमरा था सच्चिदानंद, तो वहाँ ले गए मुझे। 6 महीने हो गए तो उनको डायरेक्टरशिप छोड़े हुए, लेकिन क्योंकि सारे जितने प्रोफेसर थे सब उनके शिष्य थे, इसलिए उसके बाद भी उनका सम्मान करते थे। तो मैंने देखा कि, और मैं भी धोती कुर्ते में था और वो छोटे कद के बुढ़े, तो मैंने देखा ऊपर से नीचे देखा, उसके बाकी कैन यू ड्रॉ माई पोर्ट्रेट। मैंने कहा यस, कम टुमारो, केवल इतनी बात है। तो वो तो ऋषि थे, उन्होंने जानना चाहिए कि भाई ये गुफा कला में काम कर रहा तो आर्टिस्ट कैसा है। तो क्या हुआ उसके बाद, उन्होंने, मैं दूसरे दिन वहाँ से शाम को ही सामान लेकर के वहाँ लक्ष्मी मार्केट से, दूसरे मैंने ईजल लगा के डॉक्टर शंकरली का पोर्ट्रेट बनाया। तो मेरे गुरुजी ने कह दिया, जो प्रोफेसर मिश्रा थे उनके विद्यार्थी थे वो शंकरलिया के, उनका देखो उनका समय बहुत कीमती है, उनको विश्वास नहीं था ये, कहें अगर तुम बना सको तब तो ठीक है, नहीं तो अभी भी मना कर दो। मैंने कहा सर मैं कोशिश करूँगा। तो दूसरे दिन में शीटिंग दी मुझे डॉक्टर शंकरलिया ने, और फिर वो तीसरे दिन शीटिंग दी, क्योंकि 2 सीटिंग में मैंने बनाया, और उन्होंने मुझे 125 रुपया निकाल के दिया। तो पूछा कि तुम्हारा रंग में कितना खर्चा हुआ, मैंने कहा 25 रुपया होता, तो उन्होंने 25 और 100 रुपया अपनी तरफ से कहे नाउ योर इंटरव्यू इज सक्सेसफुल, यू कैन वर्क ऑन भीमबेटका का पेंटिंग, आई सिंपली वॉन्ट टू नो वेदर यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू ड्रॉ दी पेंटिंग सक्सेसफुली। तो दूसरा मेरा सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर शांकलिया का रहा, और यहाँ बाद में हर हफ्ते उनका एक पोस्टकार्ड आ जाता था, हाउ आर यू, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई ये यहाँ से छोड़ के चले गया, और उस समय क्योंकि खुद रिटायर हो गए थे, एकदम कोई किसी पर डायरेक्ट उनका कमांड नहीं था कि इसको यहाँ नौकरी दे दो। लेकिन उन्होंने मेरी थीसिस भेजी दिल्ली को कपिला वासन जी को, और कपिला वासन जी ने कहा कि भाई वेदर ही इंटरेस्टेड टू कम टू भोपाल, बिकॉज दैट इज द एरिया ऑफ द केव आर्ट ऑल्सो। तो भोपाल के आसपास काफ़ी गुफाएं हैं,
तो डॉक्टर शंकर ने कहा कि तुम भोपाल चले जाओ, और भोपाल गया। तो उसके बाद से फिर मैं 2 साल मैंने वहाँ काम किया राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में स्थापना में। बाद में मुझे लगा कि मेरे सरकारी जो है जो इस काम के लिए मैं आया हूँ मुझे उस काम की फुर्सत नहीं होती थी, मुझे तो एकेडमिक काम देते थे कि भाई लाइब्रेरी का देखिए, स्टोर का देखिए, ये देखिए, नया म्यूजियम बनना था, इसलिए मुझे रास नहीं आया, वो मैं छोड़ के आ गया। तो मेरे सामने ये पहला प्रश्न था कि मैं अपना संग्रहालय बनाऊँगा, अपने एरिया में बनाऊँगा, और बिना संसाधनों के, बिना सरकारी उसमें हम उनकी ग्रांट के प्रवाह की हम काम करेंगे। तो मैं पूरा उत्तराखंड घूमा था और मैंने यहाँ काम किया, तो इसके फिर ये स्थान मुझे पसंद आया और यहाँ उसमें ज़मीन मुझे मिल गई, और मैंने यहाँ 1983 में मैं यहाँ आ गया। एक छोटा सा कमरा बनाया, आधे में रहता था, आधे में संग्रहालय था, और उस समय के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी, तो जब वो यहाँ आए थे तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ दे रहे, उन्होंने उद्घाटन किया छोटा सा आधे कमरे में, पीछे मेरा परिवार रहता था। तो वहाँ से लेकर के आज ये संग्रहालय बन गया है जिसमें 4 गैलरी हैं, 100 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी, और आप देख के सामान बहुमूल्य सामान है उत्तराखंड का, जो क्योंकि लोगों ने सब बेच दिया कबाड़ियों को, केवल यहाँ हमारे पुरानी सामग्री रह गई है। दिल के करीब तो ऐसा है कि अब गुफा चित्री हैं इनकी, लोग आज लिख रहे हैं, अब यहाँ भी उत्तराखंड में कई सारे गुफाएं, इस अल्मोड़े के नदी के लाखों डियार, इसमें पूरा लेख भी आया है, लेकिन वहाँ जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया है, वहाँ सीमेंट का गोदाम बना दिया ठेकेदारों ने, पेंटिंग खराब हो गई, और दूसरा है कि जो लोग जाते हैं नाम लिख जाते हैं और पानी डालते हैं, उनको पता है कि पानी डालने से शायद एक चित्र साफ दिखाए वाटर बोतल से, क्योंकि वो उसके बने होते हैं ना मुख्य रूप से आपके गेरू रंग के आयरन ऑक्साइड के, तो पानी डाल करके जरा काले लगते हैं फोटोग्राफी के लिए लोगों ने, तो वहाँ साइड पर कुछ नहीं बचा है, जो कुछ है यहाँ है। तो आज भी आप देखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ की उत्तराखंड की भी सामग्री है वो हमारे संग्रहालय में है, वही मेरे हिसाब से बहुमूल्य चीज़ है। दूसरा, मेरे यहाँ आकर के काम कहता है कि जो हमारी संस्कृति जो बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रही है, तो इसको हम कैसे संरक्षण करें। तो मेरे करीब 50 पेंटिंग बनी है उत्तराखंड की संस्कृति पर, मैं समझता हूँ शायद ही किसी चित्रकार ने उत्तराखंड पर इतने कल्चर पर काम किया हो, वो यहाँ पेंटिंग भी हैं और उनकी हम प्रिंट बना करके हम प्रचार भी करते हैं।